आत्मवंदन फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ और पीएमसी अफ्रीका के मंच पर आप सभी ध्यानी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ शीतल जी जुड़े हैं, शीतल मास्टर शीतल राजानी, जो नवसारी से है। वो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और पीएमसी से, पिरामिड मेडिटेशन से वो फिलहाल 2 साल से जुड़े हुए हैं। वो पीएमसी गुजराती के मंच पर काफी ध्यान सेशंस लेते हैं और ज्ञान सेशंस भी लेते हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी देते हैं। उनका एक टॉपिक हमारे मंच पर उन्होंने ध्यान ज्ञान लिया था 4 एग्रीमेंट्स बुक के ऊपर। आज उसका सेकेंड पार्ट है जिसके बारे में वो हमें ज्ञान साझा करेंगे। मोस्ट वेलकम शीतल जी। Thank you so much, Jigna ji, for the beautiful warm welcome. और तहे दिल से सभी का स्वागत है। Thank you so much for joining. आज friends हम एक बहुत ही अच्छा knowledge साझा करने वाले हैं, जो कि 4 agreements के बारे में है, यानी कि 4 करार, जो कि डॉन मिगेल रुइस ने लिखी है। और ये बहुत ही प्यारी सी बुक है, जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे रोज बरोज के जीवन में सही मायने में हमें ज्ञान दे सकती है और हमें हमारी पर्सनालिटी को निखार के लेके आ सकती है। तो बिल्कुल ही हम उस विजडम के बारे में आज जानेंगे, पर उसके पहले आज हम हमारा सेशन ध्यान से चालू करेंगे। जैसे ही ध्यान होगा तो हमारी सुनने की क्षमता और जो बोलते ना भीतर उतारने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी की वजह से हम हमारा आज का सेशन ध्यान से चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी लोग तैयार हो जाएं और ध्यान की पोजीशन में आ जाएं, कुर्सी पे, सोफे पे, या तो जमीन पे आप बैठ सकते हैं, आलती पालती माल के बैठ सकते हैं, नहीं तो दोनों पैरों को क्रॉस करके भी ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के आराम से एक सुखासन में बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लें अगले आधे घंटे के लिए। हम ध्यान के साथ जुड़ेंगे। यदि चश्मे पहने हो तो उसे बाजू में रख दें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में फंसा के बिल्कुल अपनी गोदी में रख दें। आंखों में ढेर सारा प्यार भर के, ममता भर के, होठों पे स्माइल लाके बिल्कुल धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर दे। फ्रेंड्स, जब हम लेग्स क्रॉस करते हैं तो हमारी 10% ऊर्जा को हम संजो सकते हैं। जब हाथों को क्रॉस करते हैं तब भी हाथों से भी हमारी 10% ऊर्जा हमारे शरीर में ही बच जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे ध्यान के समय के दरमियान अपनी आंखों को बंद करना और उसे बंद बनाए रखना, क्योंकि ये आंख से 80% ऊर्जा प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स, तो जब हम उसे बंद करके रखते हैं तो वो 80% ऊर्जा भी हमारे शरीर में ही व्याप्त हो जाती है। तो बिल्कुल ही प्यार से ये सुखासन धारण करके, सुखासन वो जिसमें आप लंबे समय तक हो सके उतना बिना हिले डुले पूरे ध्यान के समय में बैठे रहें। क्योंकि जब हम हिलते हैं तो वो कॉस्मिक एनर्जी कहीं ना कहीं थम जाती है, तो फिर से वो सेतु
बनाने के लिए थोड़ा और टाइम निकल जाता है। तो फ्रेंड्स एक बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना बिना हिले ध्यान करने की कोशिश करें। अपने मनोचक्षु से, मनोदृष्टि से अपने फिजिकल बॉडी को देखें। और जहां भी तनाव हो तो उसे बिल्कुल ही रिलैक्स कर दें। ये हमारा भौतिक शरीर ही है, जो कि हमारी सेवा करता आया हुआ है, और इसी के माध्यम से हमारी आत्मा की यात्रा हो सकती है। तो पूरी फिजिकल बॉडी को प्यार से देख के कृतज्ञता से बिल्कुल ही रिलैक्स कर दें, शांत कर दें, शिथिल कर दें। जब भी हम स्थिर बैठने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन बहुत चालाक है, कहीं कोई विचार भेज के, शरीर में कोई खुजली भेज के, कोई तनाव भेज के हमें विचलित करने की कोशिश करता है। पर फ्रेंड्स बिल्कुल ही थाम के बैठ के अगले 30 मिनट रिलैक्स होके, शांत होके अपने आप के साथ पूरा भौतिक शरीर बिल्कुल ही शांत और शिथिल। धीरे धीरे शरीर से बिल्कुल ऊपर उठेंगे, बिल्कुल वर्तमान क्षण को महसूस करेंगे। ना भूतकाल का विचार और ना ही भविष्य की चिंता,
और इस वर्तमान क्षण में हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। सहज, सरल और प्राकृतिक सांस। इसे बिल्कुल बदलने की चेष्टा ना करें। जैसी भी आपकी सांस है, केवल उसके साक्षी बने रहें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, और इससे होने वाली कंपन, इस दरमियान यदि कोई भी ख्याल आता है, विचार आता है, तो बिल्कुल फिर से अपनी सांसों के साथ
फ्रेंड्स मन को मित्र बना के सांसों के साथ क्योंकि सांस ही वो सेतु है जो हमें वर्तमान क्षण में रख सकती है। खुद के साथ जोड़ सकती है। सुखासन में पूरी जागरूकता के साथ केवल सांसों के साथ समर्पण इस जीवन स्तोत्र के प्रति पूरी कृतज्ञता और ढेर सारा प्यार जागरूकता से सांसों के प्रति साक्षी भाव बिल्कुल सांसों के ही दृष्टा
महसूस करें उस दिव्य प्राण ऊर्जा को, अपने भौतिक शरीर के रोम रोम से और उस दिव्य कॉस्मिक एनर्जी को जो कि ब्रह्म रंध्र से प्रवाहित होके प्राण ऊर्जा के साथ बिल्कुल एक जो हमें दिव्यता की ओर, प्रकाश की ओर शांति की ओर प्रेम की ओर लिए लिए दिव्य बना रही है, पवित्र बना रही है, इस स्थिति को बिल्कुल संजो लें फ्रेंड्स। आखिरी 4 मिनट धीरे धीरे इस ऊर्जा को भीतर ही संजोगे, दिल से हम इस शरीर का धन्यवाद करेंगे इस दिव्य सांसों का धन्यवाद करेंगे
हमारे साथ जुड़े, एक एक ध्यानी का धन्यवाद करेंगे। इस समय का, इस स्थान का और इस म्यूजिक का भी धन्यवाद करेंगे। माँ धरती और समग्र यूनिवर्स का धन्यवाद करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए, अपने पैरों की उंगली को हिलाते हुए बहुत ही प्यार से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे। अपनी आंखों को अपने हाथों के भीतर ही खोलेंगे और फिर से बंद करेंगे, ताकि हमारे हाथों की ऊर्जा फिर से आंखों से प्रवाहित होके हमारे शरीर में समा जाए। आखिरी 5 seconds फ्रेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही प्यार से हंसते हुए आहिस्ता से अपने दोनों हाथ नीचे लाएंगे, अपने आप को एक प्यार भरा आलिंगन करके इस दिव्यता को अपने आप में समेट के इस एनर्जी को पूरे ही एनवायरनमेंट में फैलाने के लिए खुद को तालियों से नवाज देंगे। थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी हम वाटर चार्जिंग करेंगे। हमारे दोनों ही हाथों में हम अपने पानी के पात्र को पकड़ के जिसमें इस ध्यान की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, विश्व की सभी पवित्र नदियों का और उसके औषधीय गुणों का आवाहन करेंगे। और प्रार्थना करेंगे कि हमारा संपूर्ण परिवार, हम और हमारी संपूर्ण वासुदेव कुटुंब, यानी कि विश्व का एक एक व्यक्ति और उसका जीवन हमेशा ही सुख, शांति, संपन्नता, स्वास्थ्य, संतोष, खुशी, आनंद, सेवा भाव, दया भाव, करुणा भाव और मैत्री भाव से पूर्ण हो जाए। समग्र विश्व में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, बुद्धि का विकास, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की ऊर्ध्वगति स्थापित हो। दसों दिशाओं से सबके लिए स्थिर अष्टलक्ष्मी का वास हो। मन, विचार, वाणी, वर्तन और व्यवहार में हमेशा के लिए माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, विवेक रहे, धैर्य रहे, प्यार रहे। शरीर, चेतना और आत्मा में सदा के लिए
माँ आदि पराशक्ति का प्रकाश बना रहे। उसके साथ साथ लोका समस्ता सुखिनो भवंतु की कामना करते हुए यदि आपका अपना कोई निजी संकल्प हो तो वो भी आप रखें। अब इस जल को आप खुद ग्रहण करें और बाकी का अपने परिवार के लिए रखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हम जुड़े हैं डॉन मिगेल रुइस की बुक द फोर एग्रीमेंट्स का विजडम साझा करने के लिए। इसका एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, आज पार्ट टू है, पर इसका थोड़ा सा जो फर्स्ट सेशन था उसका थोड़ा सा ख्याल देते हुए फ्रेंड्स, इस किताब में डॉन मिगेल रुइस एक टॉल्टेक मास्टर है। टॉल्टेक यानी एक सभ्यता, एक संस्कृति, जिसके बारे में इस बुक को डॉन मिगेल ने अपना ज्ञान बताया है। तो फ्रेंड्स, इसमें डॉन मिगेल कहते हैं कि हम वैसे जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब बिल्कुल ही एक जॉय के साथ, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, आनंद के साथ पैदा होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब परिस्थितियां जैसे कठिन होती चली जाती हैं, हमारा जॉय, खुशी, प्रसन्नता, आनंद जैसे कहीं लुप्त सा हो जाता है और हम उलझे से हो जाते हैं, हमें रास्ता नहीं मिल पाता है, हम कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बोलते ना कि कठिन होती जाती है या अटक सी जाती है। तो ये क्यों हो पाता है, क्यों हो जाता है? तो इसका कारण मिगेल बताते हैं कि जब हमारी परवरिश होती है परिवार में, हमारे माता पिता के साथ, परिवार के साथ, तब कहीं ना कहीं हमें एक पालतू पशु के जैसे पाला जाता है। जैसे हमें कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, कितनी दोस्ती करनी, ये सब हमें जैसे सिखाया जाता है। इतना ही नहीं कि हमें बचपन से ही जैसे हमारा जीवन पुरस्कार और दंड में तोला जाता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से चले, उनकी बातें सुनी, या तो हम बिल्कुल ही उनके प्यार को पाते हैं, लॉट्स ऑफ हग्स, लॉट्स ऑफ किसेस और ढेर सारा प्यार, और कहीं हमने जब उनकी बातों को नहीं सुना या हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से चलना चाहा, तो कहीं ना कहीं हमको अलग अलग लेवल से भी नवाजा जाता है, जैसे उद्दंडी है, रिबेलियस है, या अलग अलग लेवल से भी नवाजा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ऐसी परवरिश होती है कि हम बिल्कुल ही अपनी खुशियों से टूटते चले जाते हैं, और बड़े होते होते हम जैसे हर बिहेवियर हमारा जैसे हमें नाप तोल के करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जज पैदा हो जाता है कि ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ये ठीक सही रहेगा या गलत रहेगा। हम बिल्कुल अपनी वास्तविकता को छोड़ के, हम उससे छूट के, हम हमेशा ही उसके साथ जुड़ जाते हैं जो हमारी सोसाइटी से हमें एक्सपेक्ट किया जाता है, हमें हमेशा ही उनसे स्वीकृति चाहिए, और हमारे अंदर धीरे धीरे वो डर भी पैदा हो जाता है रिजेक्शन का, कि कहीं ना कहीं हमारे हम एक्सेप्ट नहीं होंगे हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवार में, हमारे फ्रेंड्स में। तो हर ओर से, चारों ओर से जैसे हमारी तरफ धीरे धीरे प्रेशर सा होने लगता है और हमारी वास्तविक खुशी, प्रसन्नता, आनंद जैसे बिखरता चला जाता है। तो क्यों होता चला जाता है ऐसा? एक वायरस के जैसे वो अंदर ही अंदर हमें खाता चला जाता है, हमें बिखरता चला जाता है। तो उसके लिए मिगेल ने एक चार रास्तों, चार एग्रीमेंट्स को फॉलो करने को बोला है, जिसका उल्लेख हमने लास्ट सेशन में किया था, जो कि है कि पहला जो है उसमें है कि अपने शब्दों में त्रुटिहीनता लाए, मतलब कि बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स।
फ्रेंड्स, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे जो शब्द है वो ईश्वर से हमें मिला हुआ उपहार है, जो हर प्राणी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। तो हम उसका कैसे उपयोग करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इससे अपने और दूसरों के लिए स्वर्ग भी बना सकते हैं, और इसी की वजह से हम अपने और दूसरों के लिए कहीं ना कहीं नर्क का निर्माण भी कर देते हैं। कहीं साम्राज्य बन भी जाते हैं हमारी वाणी से, और कहीं साम्राज्य नष्ट भी हो जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने द्रौपदी जी का लास्ट टाइम पे लिया था। तो ये इसके लिए हम बिल्कुल ही एक जैसे व्हाइट मैजिशियन के जैसे फ्रेंड्स, हमें अपनी वाणी को यूज करना है बिल्कुल ही अच्छे व्हाइट मैजिशियन, यानी जिससे किसी का हौसला बढ़ा सके, जिसके खुद का और किसी और का हौसला बढ़ा सके, जैसे खुद की और किसी और की लाइफ को बना सके, बिल्कुल वैसे ही हमें हमारी वाणी को यूज करना है, हमारे शब्दों का बिल्कुल वैसे ही यूज करना है जैसे किसी की किसी का जीवन बन जाए, ना ही उड़ जाए, ना ही उजड़ जाए। तो इस बात का बिल्कुल हमें छुरी के जैसे हमारी जबान को नहीं चलाना, बिल्कुल मरहम के जैसे, बिल्कुल प्यार से, कृतज्ञता से, अच्छे से जब हम बोलते हैं हमारे शब्द यदि त्रुटि रहित रहेंगे तो अपने आप में ही जैसे हम खुद के साथ ही जुड़ के इतने अच्छे से अपनी खुद की परवरिश कर पाएंगे, जो आगे की गई परवरिश है उसको निखारने के लिए, उसको साइड पे करने के लिए, हमें खुद से प्यार करके, खुद के बारे में अच्छे शब्द का प्रयोग करके, खुद के बारे में अच्छे बिलीफ को संजोते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। और वैसे ही हमारे हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बिल्कुल ही वैसे ही शब्द यूज करने हैं, तभी हम हमारे आसपास भी स्वर्ग बना पाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे हम उसे भी नर्क बनाते चले जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल ही अपने आप के पावर्स को समझे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इनफाइनाइट पावर्स है शब्दों की। तो बिल्कुल ही व्हाइट मैजिशियन बन के ब्लैक मैजिशियन ना बनते हुए धीरे धीरे ज्ञान से, समझ से अपने शब्दों को बोल ले। इसके लिए एक बहुत ही उम्दा प्रयोग बताया है मिगेल ने कि हर हर सेंटेंस बोलने से पहले बिल्कुल ही आप 5-10 seconds रुक के बोला करें, समझ के बोला करें। ये किसी को हर्ट तो नहीं होगा, ये किसी को दुखी तो नहीं करेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को सुधारना ही नहीं है, पर हमेशा ही वो रास्ता चुने जो प्यार से गुजरता हो। प्यार से भी आप किसी को सुधार सकते हैं, समझा सकते हैं, और खुद को भी, खुद के साथ भी बिल्कुल ही प्यार से पेश आए, वो गिल्ट, फियर, शेम, वो सब लेके ना चले। तो ये एक बहुत ही उम्दा और इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट, फर्स्ट एग्रीमेंट था फ्रेंड्स, वो कि त्रुटि रहित शब्द अपने लिए और दूसरों के लिए प्रयोग करें। उसके बाद दूसरे एग्रीमेंट के बारे में मिगेल ने कहा है कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, किसी भी बात को हम निजी तौर से ना ले, क्योंकि जब हम निजी तौर से लेते हैं तब हम सामने वाले के कड़वे शब्द को भी दिल से लगा लेते हैं, और उसको ही गलती से हम सच मानने लग जाते हैं, जबकि सामने वाला जो बोलता है वो उसकी स्थिति के कारण, मनोस्थिति के कारण, उसकी परवरिश के कारण, उसकी बिलीफ के कारण बोल रहा है। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सत्य बोल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि वो उसकी ही मनोस्थिति ऐसी है कि वो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और हम बिल्कुल ही अपना रिमोट उसके हाथ में देके उस शब्द को दिल से लगा के टूट से जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही ये बात को संभाल के रखें कि किसी भी दूसरों के शब्दों को, चाहे वो एकदम सही हो, प्रशंसावादी हो, या एकदम ही हमें तोड़ने वाली, दोनों में से किसी भी एक में भी हमें बहना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारी प्रशंसा करेगा तो हम बिल्कुल या मस्त हो गया, या एकदम अच्छे हो गए, इतना अच्छा सा हो गया, तो हम पूरे सातवें आसमान पे। और वहीं पे यदि गलती से किसी ने कोई बुरे शब्द बोल दिए तो हम बिल्कुल पटक के नीचे आ गए, नहीं। हमें बिल्कुल ही फ्रेंड्स अपना संतुलन बना के रखना है, और इसके लिए ही हमें बिल्कुल पहले तो अपने आप को स्वीकार करना है। यदि हम में कुछ गलती भी है तो उसमें खुद ही को संभल के धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे लाइफ के एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, वो सब कुछ हम ही है,
यदि हम अपनी शुरुआत करेंगे सुधरने की या अपने में सुधार लाने की तो बिल्कुल ही पॉसिबल है, पर अपना रिमोट कंट्रोल, अपना अपनी खुशी किसी के हाथ में ना दे। तो ये बिल्कुल समझ ले, कोई हमें खुश करे तो हमें खुश होना है, कोई हमें दुखी करना करे तो हम बिल्कुल दुख में व्याप्त हो जाएं, ऐसा कदापि ना करें, और बिल्कुल अपना अपनी समझ से चले, अपने संतुलन से चले। तो इस बारे में बिल्कुल ही ध्यान रखें। इसके लिए भी एक पार्टी का एग्जाम्पल लास्ट टाइम दिया था कि पार्टी के जाने से पहले यदि किसी दोस्त ने बोल दिया कि अरे आज तो क्या हो गया, अच्छी नहीं लग रही हो, तो हम पूरी पार्टी में वही सोच रहेंगे अच्छे नहीं लगे, तो क्या हुआ कि हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल तो हमने उसके हाथ में दे दिया। नहीं, ये सब बातों में नहीं फंसना, किसी के कहे सुने पे नहीं जाके हमें अपने संतुलन बना के अपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देके, अपनी अहमियत समझ के हमें आगे बढ़ना है। तो किसी भी दूसरों की बातों को पर्सनली ना ले। इसके बाद थर्ड अग्रीमेंट जो मिगेल ने बताया था कि डोंट मेक एनी अजम्पशंस, यानी कि कोई भी धारणा को बना के ना रखे। हमें कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारे ये धारणा, हम पहले से ही कई धारणाएं बना के चलते हैं जिससे कि हमारे रिलेशंस पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। हम सोच लेते हैं कि इसके इनके ये तो हमारे साथ इतने सालों से रहते हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता कि हमारी क्या पसंद है क्या ना पसंद है। तो जरा सी हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग बिहेवियर या अलग सोच या अलग कोई भी बोल हमें कहे जाए तो हम बिल्कुल ही नाराज हो जाते हैं। तो ये तो मेरे अपने हैं फिर भी ऐसा बोल रहे हैं या ऐसा हो रहा है या ऐसा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही अपने किसी भी जो भी हमारे रिलेशंस में है उसके प्रति हम धारणाएं ना बनाए, अजम्पशंस ना बनाए। हमें बिल्कुल ही साफ तरह से, बिल्कुल ही स्ट्रेटली हमें कम्युनिकेट करना है, संदेश देना है, और ना ही कि धारणा बना के अंदर ही अंदर की सोच में अंदर ही घूटते जाना है। जो आपके एक्सपेक्टेशन हो बिल्कुल ही सामने चल के आप अपने रिलेटिव्स को या रिलेशंस को बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन में बिल्कुल ही क्लैरिटी लाएं। तो ये था थर्ड अजम्पशंस फ्रेंड्स। ये मैं काफी शॉर्ट में ले रही हूँ क्योंकि इसका ये फर्स्ट सेशन काफी डिटेल में हो चुका है फ्रेंड्स। तो हमारा फोर्थ अजम्पशंस था कि ऑलवेज डू योर बेस्ट, हर बार हम हमारा सर्वश्रेष्ठ करें। मिगेल बताते हैं कि हमारे पास जो भी काम आए, जो भी कार्य हो, जो भी हमारे हाथ में जो भी स्थिति हो, उसको हम अपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से डील करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दे। पर कई बार आप बोलेंगे कि परिस्थितियां तो बदलती रहती है, तो हम सर्वश्रेष्ठ हर समय नहीं भी दे पाते। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, कि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे हमारे में जब भी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है तब अपने आप ही हमारा कार्य बहुत ही अच्छे से हो पाता है, और जब हमारे में कम एनर्जी रहती है तो ऑटोमेटिकली वो कार्य की वो श्रेष्ठ होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल होता है, जैसे सुबह सुबह हम एकदम ही फ्रेश है तभी कोई कार्य किया तो बिल्कुल ही हम अच्छे से उसको निभा पाते हैं, और शाम को शायद कम तरीके से, तो एग्जॉस्ट हो गए हो तो उसको कम तरीके से निभा पाते हैं। तो बट फ्रेंड्स, मिगेल इसमें बताते हैं कि फिर भी आपकी जितनी भी जो लेवल की भी एनर्जी हो, उस लेवल की एनर्जी में आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ताकि हमें हमेशा ही वो तसल्ली रहेगी कि हमने अपना बेस्ट दिया है उसमें, तो हमें उस बात का गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया है। पर फ्रेंड्स, तो ये चारों एग्रीमेंट को हमें रोज ही याद करके निभाना है, जो कि है कि अपने शब्दों को पाप रहित यानी कि त्रुटि रहित रखें, किसी की भी बात को दिल से ना लगाए, किसी के लिए धारणा नहीं बनाए, और अपना सर्वश्रेष्ठ हमेशा दे। ओके, तो ये थे चार एग्रीमेंट्स। अभी हम फ्रेंड्स आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं कि ये जो चार एग्रीमेंट्स हैं उसे निभाने के लिए हमें काफी डिफिकल्टी होती है, तो हमें क्या किया जाए, कैसे हम सरलता से इस चारों अग्रीमेंट्स को धीरे धीरे करके निभा पाए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मिगेल के बताते हैं कि हमें पूरे ही अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आना होगा। तो हम अपने बिलीफ सिस्टम जो कि बचपन से बनी आई है,
जैसे हमने बोला था कि हमारी कानूनी किताब यानी कि हमारे पूरे बिलीफ पैटर्न्स वो रेडी बना के दिए गए हैं हमारे परिवार से, हमारे सोसाइटी से। तो जैसे एक तो बिलीफ पैटर्न्स हम जानते हैं, हमारा बीपी ब्लड प्रेशर जो कि हेल्थ रिलेटेड है, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे बीपी नॉर्मल है मतलब कि हमारी हेल्थ नॉर्मल है। तो बीपी का सिर्फ मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है फ्रेंड्स, एक और इसका फुल फॉर्म हमारे पत्री जी बताते हैं, बीपी मीन्स बिलीफ पैटर्न्स, यानी हमारे समय समय पर हमारे हमें अपनी बिलीफ पैटर्न्स को चेक करना है, क्योंकि ये बिलीफ पैटर्न्स ही फ्रेंड्स हमारे शरीर के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। हम आप मानेंगे कि हमारे मन के स्वास्थ्य को भी बिलीफ पैटर्न्स, क्योंकि हमारे प्रेजुडिस होते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, बिलीफ पैटर्न्स होते हैं, तो मन के खुशी को, मन के आनंद को, मन के स्वास्थ्य को भी बिलीफ पैटर्न्स निर्धारित करते हैं। तो हमें बिल्कुल ही हमारे बिलीफ पैटर्न्स को समय समय पर देखना है, उसको चेक करते रहना है। तो इसके लिए मिगिल ने एक अच्छा सा टॉल्टेक पाथ ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का टॉल्टेक मार्ग दिखाया है। वे बताते हैं कि खुद की स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, क्या हम फ्री हैं? क्या आपको लगता है कि हम फ्री हैं? हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, क्या आपको लगता है? नहीं लगता, राइट? क्यों? तो क्या है ऐसी चीजें जो हमें बांध रही है? हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं कहीं बंधनों में बंधे हैं, कोई मान्यता में बंधे हैं, कोई हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, कोई सोसाइटी के सिस्टम्स है, कोई नियम है जैसे समाज में लादे गए हैं, कोई कानून है, हम पूरे के पूरे उससे बन चुके हैं, हम पूरे के पूरे अपने आप को उसमें जकड़े हुए महसूस करते हैं। तो कौन बांधता है फ्रेंड्स ये सब? हम सोचेंगे कि ये हमें बांधता कौन है इतना सारा, हम इतना पूरा पूरी जिंदगी बड़े होते होते जैसे हम पैदा तो पूरे आजाद हुए थे, तो हम क्यों ऐसे बंधते चले जाते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको सच्ची में ताज्जुब होगा कि ये हम खुद ही अपने आप को बांधते चले जाते हैं। तो हम सोचेंगे तो फ्री कौन है? तो फ्री कौन है फ्रेंड्स? फ्री एक्चुअली फ्रेंड्स हम देखे जाए तो सिर्फ 3 और 4 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो फ्री है, वो बिल्कुल ही अपने हिसाब से जीते हैं और ना उसे कोई पास्ट की थॉट है, ना भविष्य की चिंता है, और बस वो प्रेजेंट में अपने अपने ही मतलब खुशी में घूमते रहते हैं और उन्हें बिल्कुल ही अपने वर्तमान से खुश रहते हैं। और हमारे साथ क्या हुआ? हम सोचेंगे तो फिर हम भी तो वैसे पैदा हुए थे, हमारे साथ क्या हुआ? फ्रेंड्स, हमारे साथ कहीं ना कहीं बड़े होते होते एक जज पैदा हो गया जो हमेशा ही ये सोचता है कि ये सही है कि गलत है, ये बराबर है कि अच्छा है कि बुरा है, ये करने लायक है कि नहीं करने लायक है। फिर उसके साथ हमें एक विक्टिम भी पैदा हो गया बड़े होते होते। क्या विक्टिम? कि ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों ये ऐसा ही हो रहा है, क्यों हर बार ऐसी तकलीफ आती है, क्यों हर बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं। तो ये भी हमारे साथ होते होते हम कहीं ना कहीं विक्टिम हो जाते हैं। और हमारे पास समाज की दी हुई पूरी की पूरी कानून की किताब यानी नियम के जो नियम लादे गए हैं वो पूरी की पूरी हमारे साथ लगी रहती है, जिससे हमारा चैन छिन गया और हम सब किसी ना किसी को दोष देने में, किसी ना किसी के साथ उलझे रहने में सब हम अपना समय व्यतीत हो गया। ये क्यों होता है फ्रेंड्स? इसके लिए हम वैसे किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि हर कोई इसका शिकार है, कोई इससे फ्री नहीं है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारा परिवार हो या पूरा समाज, सभी इसी बंधनों में, इसी उलझनों में, इसी के साथ बड़े होते चले गए। अभी हमें मुक्त होने के लिए मिगिल ने कुछ रास्ते बताए फ्रेंड्स। तो उन्होंने जो इसका सबसे पहला उन्होंने तरीका बताया है वो है सजगता, बोलते मास्टरी ऑफ अवेयरनेस, यानी कि हमें जागरूकता की प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कि क्या जागरूकता? जागरूकता मतलब कि फ्रेंड्स हम वैसे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल इसके प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा। हम स्पेशली हम जो भी सेल्फ टॉक किए जाते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल अनकॉन्शियसली मूर्छित अवस्था में ही हमारी जैसे कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में विचारों के द्वारा हम ऑटो सजेशंस करते रहते हैं,
हमारी कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, बिल्कुल उसके प्रति हमें सजग होना पड़ेगा। हमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बीच में अंदर ही अंदर नेगेटिव कम्युनिकेशन चला चला जाता है और हमें पता कॉन्शियसली नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम पूरा ही ड्रेन्ड, हमारी पूरी एनर्जी को ड्रेन्ड हुआ महसूस करते हैं, और हमें पता नहीं कि आज तो ऐसा कुछ ही नहीं किया, पता नहीं ऐसा क्यों खाली सा लग रहा है, राइट? ऐसा कई बार सबके साथ होता होगा। तो इसके लिए बिल्कुल अवेयर हो जाए फ्रेंड्स, और अपनी रेपिटेटिव टेंडेंसी, हमारे ख्याल के जो आते रहते हैं, हमारी जो सेल्फ टॉक है, उसके प्रति बिल्कुल अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, अलर्ट हो जाए, और उसको एनालाइज करें करें। तो इससे हमारी ऑटोमेटिकली जब हम उसे एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि हाँ हमारी ये सेल्फ टॉक है, तो उसको हम बदलने की कोशिश कर सकते हैं, हम बदलने के लिए आगे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ये रास्ता है कि मास्टरी ऑफ अवेयरनेस। तो इसको बिल्कुल हमें, पर ये इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, हमें बार बार हर बार याद करके, निर्धार करके, डिसाइड करके उसके ऊपर कोशिश करनी होगी, फिर जाके प्रैक्टिस के बाद ही ये तय हो सकता है। फिर उन्होंने दूसरा एक रास्ता बताया है फ्रेंड्स, मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अपना खुद का रूपांतरण, यानी कि हमें अपने आप को यदि ट्रांसफॉर्म करना है, रूपांतरण करना है, तो उसके लिए हम खुद अपनी जिम्मेदारी ले। ये नहीं कि हमें सहूलियत कहीं और से मिलेगी, इंस्पिरेशन कहीं और से मिलेगी तो ही हम कर पाएंगे। इसके लिए हम खुद अपने ड्राइविंग सीट पे आ जाए अपनी लाइफ के, यानी कि हम खुद जिम्मेदार हो जाए, क्योंकि हमारे पास तो फ्रेंड्स, ये तो हम बिल्कुल जानते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट पावर्स है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो हम ही हमारे जीवन के एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, हम ही उसे जो डायरेक्शन में चाहे वहां पे लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल ही हमें हर पल पहले ये स्वीकारने के लिए तैयार होना होगा कि हमारी कमांड हम खुद के हाथ में है। हम जैसे बुद्ध ने कहा है अपो दीपो, तो हम बिल्कुल ही चेंज होने के लिए तैयार रहें हर पल हर समय। हम ये निर्धार कर ले कि हाँ, ये क्वालिटीज है, ये खामियां है, तो मुझे ये बदलना है, तो मैं बदल सकती हूँ, मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें खुद में लानी है। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा जो उन्होंने बताया है कि इतना आसान तो नहीं होता कि हम ये डिसाइड कर ले, चलो ये खामी मुझ में है तो मैं कैसे, मुझे बदलनी है पर मैं तो ये बदल नहीं पा रही हूँ। आप बोलोगे कि ये तो मैं नहीं बदल पा रही हूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो मिगेल बताते हैं कि आप मास्टरी ऑफ इंटेंट, इंटेंट यानी कि संकल्प शक्ति, यानी कि हम बिल्कुल ही अपने अंदर एक संकल्प कर ले, एक निर्धार कर ले, एक जैसे बोलते ना, एक माइंड को सेट कर दे कि हाँ हमें ये चेंजेस लाने हैं, एक संकल्प बना ले कि हमें ये डायरेक्शन में जाना है, ये करना है, ये खूबियां चाहिए, ये खामियां निकालनी है। तो उसके लिए ये संकल्प शक्ति को बल देके, उसके इतना बल देके ताकि कोई भी चीज हमें पीछे ना खींच पाए फ्रेंड्स। तो एक नए सेल्फ का निर्माण करने के लिए तभी हम आगे आ सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, एक अच्छा सा नया सपना देखो, अपने आप का एक नया वर्जन बनाने का एक प्यारा सा सपना देखें, और धीरे धीरे किसी और पर निर्भर ना होते हुए, अपना कमांड अपने हाथ में लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। क्योंकि जब भी हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, तब कहीं ना कहीं हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं, और हमारा रूपांतरण इतना आसानी से नहीं हो पाता है। पर जब हम खुद निर्धार करेंगे, तो चाहे कितने भी फोर्स बाहर से पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो भी हम धीरे धीरे या जल्दी या फास्ट या धीरे धीरे हम बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, हमारे खुद में कहा जा मिगेल कहते हैं कि 1000 सिर वाले राक्षस को जीतना है। 1000 सिर वाला राक्षस कौन है पता है? वो है हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ईर्ष्या, अहंकार, जेलसी, इनसिक्योरिटी, डर, तनाव, दुख, ये सभी हमारे अलग 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 सिर वाले रैशेस हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल ही उससे डरे बिना हमें एक योद्धा के जैसे हमारा जीवन जीना है। बिल्कुल एक अंदर से एक इतनी शक्ति पैदा करनी है, इतना बड़ा संकल्प पैदा करना है कि एक योद्धा के जैसे धीरे धीरे हम एक एक खामियों को, एक एक राक्षस को बिल्कुल हराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, अच्छे से आगे बढ़े। और एक बहुत ही अच्छी बात मिगेल बताते हैं कि जैसे कि हमारे हम पैदा होते हैं उसके साथ ही हमारे साथ एंजल ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु का देवता हमारे साथ साथ चलता है। एक एक दिन जैसे जैसे हमारा दिन का कटता है, हमारे जीवन का कटता है, हम मृत्यु के देवता के करीब करीब आते जाते हैं। और जैसे हमारे जीवन में पृथ्वी पे आते ही हमें हर चीज मिलती है, हमारे घर परिवार है, हमारे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बंगला है, गाड़ी है, रुपये पैसे हैं, हमारा करियर है, यानी जो भी हमारी फिजिकल सब अचीवमेंट्स है, चीजें हैं फ्रेंड्स, वो किसी भी पल एक मौत आके हमसे छुड़ा सकती है, राइट? जैसे ही हमारी मौत हो गई तो क्या ये सब चीजें हमारी कही जाएगी? नहीं, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही ये समझ लें कि ये जो कुछ भी हमारे जीवन में हमारे पास है वो बिल्कुल ही हमारे किराए पे मौत के देवता से मिली हुई किराए पे वस्तुएं हैं। बिल्कुल ही मौत का देवता हमारे करीब भी है, वो किसी भी समय हम पे आके हमसे ये सभी चीजें छुड़वा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही मौत के देवता के पास, एंजल ऑफ डेथ से सर के पास सरेंडर मोड में आ जाए, कि तभी जब हमें पता होगा कि ये सब कुछ छोड़ के ही जाना है, तब बिल्कुल ही क्या हमारा व्यवहार गलत होगा किसी और के साथ? जब हम मानेंगे कि हाँ भाई, ये कभी भी हमारी मौत हो सकती है, या कभी भी, या समझ लो मिगेल ये भी बताते हैं कि हर दिन उठ के यही महसूस करें कि ये मेरा आखिरी दिन है। जब क्या फ्रेंड्स हम समझेंगे कि ये मेरा आखिरी दिन है, तो क्या हमसे कुछ भी गलत काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट? चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, क्या चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, हम कहीं ना कहीं ये सोचेंगे, चलो जाने दो, अभी थोड़ा वक्त है, क्या है, ठीक है, सब माफ करते हैं, छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, राइट? ये सब चीजें अपने आप में ही हमारे में फलीभूत होने लगेगी। हर पल हम धन्यवाद में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि चलो आज का दिन भी मिला, ग्रैटिट्यूड में आएंगे, खुशी से आएंगे, चलो जितनी मतलब जो भी दिन है, सपोज हम सोचेंगे आज का लास्ट दिन है, तो हम हर वो काम करेंगे जिससे हमें खुशी मिले और हम किसी और को खुशी दे पाए। हम कभी भी गलती से भी, यदि पता हो कि ये हमारा आखिरी दिन है, तो हम गलती से भी किसी का दिल दुखाने वाला, किसी को चोट पहुंचाने वाला कार्य अपने आप ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही प्यारी चीज बताई है मिगेल ने कि हर दिन को अपना आखिरी दिन समझे। तो बिल्कुल ही वैसे करने से हम बिल्कुल ही वास्तविकता से जुड़ के अपने कार्य के प्रति, अपने सोच के प्रति, अपने शब्दों के प्रति ऑटोमेटिकली ही अवेयर हो जाएंगे और हर कार्य को जागृतता से, खुशी बांट के, ग्रैटिट्यूड से, प्रसन्नता से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल ही अच्छी बात मिगेल ने बताई है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है, एक उन्होंने अच्छी बात बोली है कि आप महसूस करें। इसके लिए फ्रेंड्स, आप बिल्कुल 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद देके, ग्रैटिट्यूड देके, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेके,
सांसों के साथ जुड़ जाऊं। अपना ध्यान अपने हृदय स्थान पे अनुभव करें फ्रेंड्स, कि आसमान से, धरती से, पशु पक्षियों से, वृक्षों से, नदी और पर्वत से, हर चीज से आपकी ओर प्यार प्रवाहित हो रहा है। हर मनुष्य से, आजू बाजू के सामान से भी धरती के कण कण से और समग्र ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रेम प्रवाहित होता हुआ आ रहा है। आप बिल्कुल इस प्यार से तर बतर होके खुद भी प्यार का स्तोत्र बने हुए, यही प्यार आपसे आजू बाजू के सामान में, हर पशु के लिए, हर पक्षी के लिए, हर वृक्ष के लिए, नदी झरने पर्वत के लिए, धरती और आसमान के लिए, बिल्कुल ये प्रेम का साम्राज्य अब सभी चीज का स्वीकार, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई अस्वीकार नहीं, अपने आसपास को स्वर्ग बनाते हुए खुद के दिल में भी स्वर्ग बसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को हंसते हुए खोल दे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक अच्छी उम्दा टेक्निक उन्होंने बताई है कि हर रोज आप खुद प्यार का स्तोत्र बनके पूरी यूनिवर्स से उसे फैला के और उससे रिसेप्टिव होके आप खुद ही अपना जीवन बनाने का शुरुआत कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, आप सभी ने इससे प्यार से सुना, अपना कीमती वक्त देते हुए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप, या कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आई थिंक नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात सभी को अच्छे से समझ में आई है, तो
सभी का शुक्रिया करते हुए, धन्यवाद करते हुए, फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि इस बुक के ऑथर की मतलब का अच्छे से समझाई गई फोर एग्रीमेंट्स बुक को कोशिश करें पढ़ने के लिए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान है जो कि हमारे रोज बरोज की जिंदगी में काम आने वाला है और हमारी लाइफ को परिवर्तित करने वाला ज्ञान है। तो बिल्कुल कोशिश करें, इसमें काफी अच्छे से एग्जांपल्स देख के ऑथर ने समझाया है, जिससे हमारी समझ में और भी बहुत सारी बातें आएगी। तो बिल्कुल ट्राई कीजिए ये बुक पढ़ने के लिए, एंड बहुत ही कृतज्ञता के साथ थैंक यू वेरी मच इतने टाइम के लिए, मुझे शांति से सुनने के लिए और अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इसके साथ फ्रेंड्स हम आज का सेशन एंड करेंगे, कल फिर इस वक्त पे ध्यान के लिए वापस मिलेंगे। थैंक यू।